कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है, बीएस इस्लामिक सेंटर दीन की इशात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। जात अल्लाह दी जिन्ने भेजिया अनपढ़ां विच अपना रसूल ताके उन्हां नूं अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुनावे और उन्हां नूं पाक करे शिरको बिदातों और सिखावे उन्हां नूं किताब हिकमत दे नाल। और इस तो पहला उह सारे खुली गमराई अंदर सन, हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब रहमान वास्ते, बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम सैयदुल अव्वालीन वल आखिरीन इमाम कायनात हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात ग्रामी ते। दोस्तों बुजुर्गो, अज दा ए अजीम शान खुतबा जुमा 30 अक्तूबर 2020 दा खुतबा जुमा, जिदे अंदर इस वक्त तुहाडे सामने सूरह जुमा दी एक आयत मुबारक पढ़ी है। अल्लाह के दुआ करो अल्लाह सही बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। मैनू और तुसानू सबना नू मौला करीम अमल दी तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमा तुसां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत सुनी, क्योंकि 9 रबीउल अव्वल बरोस हमवार नबी करीम दुनिया ते तशरीफ लियाए। और अज दे अजीम शान खुतबा जुमा दे अंदर जो मैं दसना चाहना कि नबी पाक दा दुनिया ते आवन दा मकसद की सी, क्यों जिस वक्त पूरी दुनिया और पूरे जहान ते एनी जहालत छा चुकी सी, हर पासे अंधेरा ही अंधेरा, एथो तक के लोग ता अपने खुदा नूं भी भुल चुके सन, अल्लाह दी जात दी पहचान नहीं सी रह गई, जिन्हां नूं रब बनाई बैठे सन, दरख्तां नूं पत्थरां नूं। और ऐसे हालात के अंदर अल्लाह करीम नूं तरस आया, रहम आया कि मेरे अल्लाह ने अपना महबूब नबी मुहम्मद पैदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह करीम फरमा रहे ने कि मैं अपने नबी नू पैदा करके सारे जहान ते रहमत दी बारिश फरमा दिती है। और अल्लाह ने सारा वजूद, सारा जहान, सारिया नेमतां दे के ते ए नहीं आखिया लोगो मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। एक नेमत ऐसी जिस नेमत नू अल्लाह ने अता करन तो बाद ऐलान कीता है कि मैं तुहाडे उते एहसान ही नहीं कीता बल्कि एहसान अजीम कीता है, सुभान अल्लाह। और केड़ा एहसान है जिदे बारे अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, आओ जरा कुरान दे अल्फाज ते गौर फरमाना। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहाडे ते एहसान कीता है, इनाम कीता है। अल्लाह किस अंदाज नाल फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने
अपनी जबाने नबुवत चो ऐलान फरमा देओ ना लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीना इज बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लाल मुबीन। अल्लाह फरमांदे ने लोगो तुहानू अखां दित्तियां ने तुहाडे ते एहसान नहीं कीता, तुहानू कन्न दित्ते ने एहसान नहीं कीता, पूरा वजूद बना दित्ता है एहसान नहीं कीता। अल्लाह सोहणिया एहसान केड़ी गल दा है, फरमाया मैं आपदा नबी मुहम्मद अता करके तुहाडे ते एहसान फरमा दिता है। नबी मुहम्मद अता करके सल्लल्लाह सल्लम तुहाडे ते एहसान अजीम कर दिता है, अल्लाह दा इनाम हो गया ना। मैं सदके जावां कुर्बान जावां, अल्लाह दा सारियां तो वड्डा इनाम है कि अल्लाह ने अपना महबूब मैनू तुहानू अता फरमा दिता है। और ए बात सुन लो, उस तो वड्डा बेईमान बंदा नहीं और उस तो वड्डा गया गुजरिया इंसान नहीं कि जिन्हों नबी दे दुनिया ते आवन दा चाह नहीं, जिन्हों नबी नूं नबी दे दुनिया ते आवन दी खुशी नहीं। बहरहाल एक जश्न मिलाद, और मैं जरा दसना चाहना कि मिलादे मुस्तफा मिलाद का माना की है। सारे जरा तवज्जो नाल गौर नाल बात सुनना, मिलाद का माना है पैदाइश। मिलाद का माना की है बोलो, तुहानू जो बाहर को पुछ लै भी यार असि मिलाद मनाने पे ते माना की है, मिलाद का माना की है पैदाइश। नबी अली सलाम दी साडे इत्थे चौकां च लिखिया मिलाद चौक, की लिखिया मिलाद चौक। माज़ल्ला मैं एह ते नहीं आंदा भी उस चौक च नबी पाक क्या पैदा होए सन, पैदाइश। मिलाद का माना की है पैदाइश। मिलादे मुस्तफा एक है जश्ने मुस्तफा, क्यों जश्न मनाया जाए, आका इस्लाम दे दुनिया ते आमन वाले दिन खुशी मनाई जाए। मैनु बड़े दोस्तों दे फोन और बड़ा दोस्तों ने मशवरा दिता कि अज का जुमा वफातो नबी होना चाहिए, क्योंकि अज की तारीख नू महबूब पैगंबर दुनिया तो गए और आका इस्लाम फौत होए जिस दिन का जश्न और जिस दिन का मिलाद। बहरहाल वो एक बात अलग है, मैं जड़ी बात दसनी चाहना ऐंदा खुतबा जुमा इंशाला वफातो नबी तो होए, लेकिन आज मैं दसना है कि जश्ने मुस्तफा नबी अली सलाम दे आमन दी खुशी, नबी अली सलाम दे आमन दा चाह। और मेनू भी चाहे ते तुहानू भी चाहे, क्यों चाहे कि नहीं, क्यों अल्लाह ने एहसान किया नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करके मेनू तुहानू नबी अता करके। अल्लाह फरमा रहे ने मैं तुहाडे ते एहसाने अजीम किया। मालूम हुंदा कीमती चीज का एहसान हुंदा है, कीमती चीज का, और इस तो वड्डी कीमती चीज और इनाम की हो सकता है कि लोग जहन्नम के किनारे ते खड़े सन ते आमना दे लाल ने आन के जहन्नम के किनारे हटा के ते जन्नत दियां चिट्ठियां अता फरमा दित्तियां ने, सुभान अल्लाह। और महबूब पैगंबर दे आया लोगों के दिलों चो कदूरतां और रंजिशां और लड़ाइयां और फितने और झगड़े खत्म होए। तो आओ जरा गौर फरमाना, एक है जश्ने मुस्तफा ते एक है मिशने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्ने वे जनाब जलसा कराया गया है, कॉन्फ्रेंस कराई गई है, और जश्न के अंदर बड़िया बड़िया जनाब बड़े बड़े जनाब खाने पकाए गए ने। और जे जश्न होवे ते नाल महबूब दा मिशन भी होवे, कहो सुभान अल्लाह। और मिशन जे नबी पाक दा होएगा ते गल फिर बननी है, कल्ले जश्न नाल गल नहीं बननी। और मिशन की है, महबूब पैगंबर दी नमाज जैसी तेरी मेरी नमाज होनी चाहिदी है। और मिशन एवे आका दा मिशन अपनाया जाए, जिमें आमना दे लाल ने रोजा रखे है रोजा रखिया जाए, जिमें कायनात दे सरदार ने हज किया है उमें हज किया जाए,
जिमें मेरे तेरे पीरो मुर्शद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, नमाज तहज्जुद पढ़ी जाए, जिस तरह आपने सदकातो खैरात कीते ने ओवे सदके खैरात कीते जान, और जिमें पाक पैगंबर ने हमदर्दियां कीतियां ने ओवे हमदर्दियां कीतियां जान। और जेड़ी मैं बात दसनी चाहना उस बात वल आवां, क्योंकि पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दे बारे अल्लाह ऐलान फरमा रहे ने कि मेरे नबी दा मिशन की सी, एक जश्ने मुस्तफा, एक मिशने मुस्तफा। और मिशन सुन लो, नबी अली सलाम दा मिशन की सी, अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया अल्लाह फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लम सोने अपनी जबाने नबूवत विचों ऐलान फरमा दियो ना, आओ ना अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं, अल्लाह ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया लोगो मैं आपदे नबी नू किस मकसद वास्ते पैदा कीता, मेरे नबी दा मिशन की सी, हो अल्लाज़ी बासा फिल उम्मीन, अल्लाह फरमांदे ने मैं आपदे नबी नू अनपढ़ां विच जहलां विच पैदा कीता। मालूम हुंदा मक्के वाले पढ़े नहीं सन, अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं कि अनपढ़ जहल लोग सन जिन्हां विच आमना दे लाल पैदा होए, और पैदा भी उन्हां दे विचों कीता, रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातही। अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी दे आमन दा पहला मिशन ए सी कि ओ मेरा नबी लोगां नू कुरान पढ़ के सुनावे, सुभान मेरा नबी लोगां नू कुरान पढ़ के सुनावे, अल्लाह अकबर अल्लाह। और अगे फरमाया वायु सकी हिम ते लोगां नू पाक करे, केड़ी गल तो जेड़े 360 रब बनाए ने, एक रब आसमान वाला उनू भुले ने, उनू छड़िया है, ते 360 नाल बैतुल्ला नू पार छड़िया है, 360 रब बना के ते बैतुल्ला भी रब छड़े ने, अल्लाह दे पाक घर नू पलीत कर छड़िया है। और महबूब आए अल्लाह ने मेरे नबी दे आवन दे तीन मिशन, मिशन एक दे पॉइंट तीन ने किए, पहला यतलु अलैहिम आयातही के लोगों नू मेरा नबी कुरान पढ़ के सुनावे, सुभान अल्लाह। और दूजा किए वायु जकीहिम ते लोगों नू पाक करे, गलाजत तो पाक करे, वायु अल्ले मुहमुल किताब वाले हिकमा लोगों नू कुरान सिखावे ते हिकमतो दनाई दे नाल, सुभान अल्लाह। और नबी पाक अली सलाम ने आके फिर लोगों नू झिड़किया नहीं, गालां नहीं कढ़ियां, लड़ाई नहीं कीती, और काफरां नू काफर नहीं आख्या, बल्कि मेरे आका ने फरमाया काफर नू भी काफर ना आ, गालियां कढ़ के ते दीन ते नहीं ना फैलदा। और नबी अली सलाम ने कीता कीए, आओ जरा गौर फरमाना, आंदे ने रब दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया, सुभान रब दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया, रब नालों टुटिया नू रब नाल जोड़िया, रब दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया, रब नालों टुटिया नू रब नाल जोड़िया, रब दी तौहीद लई मारा वी ने खादिया, बड़ा तंग कीता उन्हां मुशरका फसादिया, दंद भी शहीद कीते सार नाले फोड़िया, अल्लाह दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया, अल्लाह दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया, अल्लाह नालों टुटिया नू अल्लाह नाल जोड़िया। ते गल बड़ी प्यारी जे, अल्लाह दे रसूल कदी हिम्मत नहीं हारिया, भावे लख ढिल लाए बुतां दे पुजारिया, राह दे विच आया जेड़ा हुआ बुत तोड़िया, अल्लाह दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया।
और आखिर ते बात सुनो, आन के मुकाइयां सुने रंजशां अदावतां, आन के मुकाइयां सुने रंजशां अदावतां, इयो जै अंदाज नाल कीतियां सखावतां, दार उत्ते आए नूना खाली हाथ मोड़िया, अल्लाह दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया, ते रब नालों टुटिया नू रब नाल जोड़िया, अल्लाह दे रसूल ने कमाल कर छोड़िया, मेरे नबी ने आके लोगों नू दसेना, लोगो अल्लाह एक वाहदहुला शरीक के। और थोड़ा जा पीछे नजर मारिए ना, इब्राहिम नबी ने बैतुल्ला नू तैयार जदों कीता ना, मुकम्मल कीता ना, तैयार कीता ना, पाया तकमील तक पहुंचे। और ये तुहानू पता है ना, मस्जिद मुकम्मल हुई है, जनाब किसी हजरत हुरां नू बुलाओ, दुआ शुआई करवा लवो, रमजान मुबारक च कुरान मुकम्मल होया, जनाब किसी हजरत हुरां नू बुला के दुआ करवा लो। वैसे भी कुरान जदों मुकम्मल होवे उदों कबूलियत दा वक्त है, सुभान अल्लाह। और जनाब मस्जिद कंगनपुर दे अंदर बहुत बड़ी मस्जिद बनी है, एदे वास्ते जनाब किसी हजरत हुरां नू दुआ वास्ते मंगवाओ। शहर लाहौर अंदर मस्जिद बनी है, उहदे दुआ वास्ते किसी हजरत हुरां कोल दुआ करवाओ। जनाब कराची अंदर, इस्लामाबाद अंदर मस्जिद बनी है, उहदे वास्ते दुआ करवाओ। ए मस्जिद केड़ी है, ए बैतुल्ला है, अल्लाह दा घर है, जेड़ा सारिया घरां तो सोहना है, सारिया घरां तो सोहना है। और पाया तकमील तक पहुंचाया, छत पाई, ते दुआ कीती ना जदों खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने। और पहली आयत मुबारक जड़ी कुरान दी मैं इब्तदा दे अंदर पढ़ी है, ओदे अल्फाज ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ दे अल्फाज मिलदे जुलदे ने। और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी कह रहे ने, रब्बाना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नक अंतल अजीजुल हकीम। इब्राहिम नबी, अल्लाह सोनिया मैं तेरा नबी, ते इब्राहिम भी नबी, ते इस्माइल भी नबी, सुभान अजे आका आए नहीं, ते दुआ मंग के आखरण ला, एथे ओ इमाम पैदा कर जेड़ा हिकम तो दनाई ना लोगां नू गल्लां समझावे, जेड़ा बड़ी अकल दा मालक होवे, सोना भी होवे ते सियाणा भी होवे, सोना भी होए सियाणा भी होए। मैं सदके जावां, मेरे नबी नालों सोना केड़ी मां जान सकदी है, मुस्तफा नालों सियाणा कौन हो सकदा है। सदके कुर्बान जावां, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हिकम तो दनाई दे नाल लोगां नूं कुरान सुनाया ना, और लोगां दा तज़किया नफस कीता ना। और मैनूं याद आया जदों आका अली सलाम ने मक्के अंदर नबूवत दा ऐलान कीता ना, मक्के काफरां ने नबी पाक दे यारां दे गलियां विच रस्सियां पा के जनाब मक्के दे बाजारां विच घसीटना शुरू कर दित्ता ना, इवें सलामां दे रहे ने, अज़ियतां दे रहे ने, आंदे ने इंज करो आपे इहदे साथी छड जाणगे भज जाणगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे महबूब ने जदों यारां दी हालत वेखी ना, आ फरमांदे ने, मेरे सहाफी हो तुसीं मक्के नूं छड के हबशे चले जाओ ना, जाओ हबशे दे अंदर जाके जिंदगी गुजारो। मेरे महबूब पैगंबर दे चंद सहाबी ने, चंद सहाबियात ने एन जनाब हबशे पर रवाना होए ने ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हबशे दे अंदर चले गए, इधरों मक्के आलिया नू पता लग गया ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुहम्मद दे साथी मक्के नू छड़ के हबशे चले गए ने, एना हबशे जाके दो बंदे मक्के गए ना, काफरां दे दो
बंदे गए मक्के हो हबशे जाके ए नजाशी बादशाह ईसाई मजहब ना ताल्लुक रखने वाला है। अल्लाह हु अकबर अल्लाह ईसाई मजहब ना ताल्लुक रखने वाला है। इना दो बंदे ने तोहफे तहै पेश कीते ना ओए नजाशी कल साडी सुन ले साडे मुल्क विचों मक्के विचों बंदे आए ने तेरे मुल्क अंदर आए ने तेरी इजाजत तो बगैर आए ने पुछया ही नहीं तू इन्हां नूं पुछ किदी इजाजत नाल मेरे मुल्क दे अंदर आए हो। ए नजाशी लाल पीला हो जांदा ना गुस्से विच आ जांदा ना आंदा छेती बुला के लियाओ कौन होण जेड़े मेरी इजाजत तो बगैर ही मेरे मुल्क विच आ गए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह ए नजाशी ने मेरे नबी दे यारां नूं सामने खड़िया कर लिया है सामने सारे सहाबा नजाशी आके ओए तुसी आए जे मक्के आए जे मेरी इजाजत तो बगैर आए जे तुहानू की जुर्रत किवें पई है साडे मुल्क विच आण दी। मेरे आका दा एक यार जाफर तैयार अल्लाह जिथे जाफर लेटे ओदी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐ सामने खड़े हो गए ओए नजाशी तेरी भुल ले तेनू नहीं पता असी आपकी मर्जी नाल नहीं आए साडे मुल्क अंदर एक नबी पैदा होया जिंदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ा बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए नजाशी ऐवें तेरी भुल ले तू की पूछना चाहना नजाशी आंदा तुहाडी जुर्रत की पई है मेरी इजाजत तो बगैर मेरे मुल्क विच आए हो ते हजरत जाफर तैयार कहन लगे असी आपकी मर्जी नाल नहीं आए आंदा फिर किदी मर्जी नाल आए हो आंदे ने सानू साडे नबी ने कलिया आमना दे लाल ने कलिया जिंदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी ते आपके पीर दे कहन ते आए हां कदी असी तेरे मुल्क च पैर ना रखिए असी अपने महबूब दी इजाजत नाल आए हां तू कौन होए आना केड़ा नबी ते हजरत जाफर तैयार कहंदे ने जिंदा चेहरा चौदवीं दे चन्न नालों सोहना है ओ नबी जेड़ा नबियां दा नबी है सुभान अल्लाह ओ नबी जेड़ा नबियां दा नबी ते जिदियां शाना की ने आओ फिर शाना सुन लो महबूब पैगंबर दी शान सारे नबी भी मिलके शान पा सकदे और फिर मैं उस महबूब दी शान और आज असल विच ओ दूसरे स्पीकर चलदे ने अपना बंद भी रिया ते खैर कहो सुभान अल्लाह ओए अपना बंद भी रवे गल कोनी परेशान होण दी लोड़ नहीं और मैं अपनी बात दसनी चाहना आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया ओए मैं ते गल करनी चाहना वेखो ना रौला नहीं पाना लड़ाई नहीं पानी मैं ते महबूब दी शान क्यों ना बयान करा आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है सारे इमामा चो इमाम साडा उच्चा है कसमे खुदा दिए अकीदा साडा सुचाए सारे इमामा चो इमाम साडा उचाए ओदे कदमां दे विच रुल जावा ओदे कदमां दे विच रुल जावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया आ तैनू शान सुनावा आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। और गल बड़ी प्यारी आना गौर करना कंगनपुरी हो इर्दा गिर्द तो आने वाले हो इस्लाम दे परवाने हो इस स्पीकर ने तो एवें ही करना तुसी तवज्जो मेरे वल करे आ जे आओ नजर गौर करना आखिर ते मैं लिखिया अल्लाह वल्लों शान उच्ची अल्लाह वल्लों शान उच्ची बदर मुनीर दी सुभान अल्लाह अल्लाह वल्लों शान उच्ची बदर मुनीर दी जग विच तुम पैगी सीमा दे वीर दी सुभान अल्लाह अल्लाह वल्लों शान उच्ची बदर मुनीर दी जग विच तुम पैगी सीमा दे वीर दी पढ़ पढ़ के शाना सुनावा
पढ़ पढ़ के शाना सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया आ तैनू शान सुनावा आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार आंदा ओए नजासी तेरी भुल्ले सानू उस पीर ने कलया जिदा चेहरा चौदवी रात दे चन नालों सोना है और कह लगा नजासी बादशाह उस नबी दे कोई किताब भी नादल होई है के नहीं जेड़ी गल मैं समझानी चाहना अल्लाह करीम फरमा देने वायो अल्ले मोह मुल किताबा वाले हिकमा मेरा नबी आया ताकि हिकमत दे नाल लोगां नू कुरान सिखावे नजासी आंदा उस नबी दे जेड़ा मक्के पैदा होया ओहदे ते किताब भी नादल होई है के नहीं ते हज़रत जाफर दा यार रज़ी अल्लाह तआला कहन लगे हाँ उहदे ते किताब नाज़िल होई अहे उस किताब दा नाम की है अहे उस किताब दा नाम है कुरान और मैं सदके जावां नबी भी सोना ते नबी ते नाज़िल होण वाला कुरान भी सोहणा ਐਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਰੱਬ ਵਧਾਵੇ ਕੌਣ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵਧਾਵੇ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਉਲਮਾਏ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ ਓਏ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਤ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਆਕਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ जे तुसी इजाजत दियो ते पुछिए नबी अली सलाम फरमांदे ने इनू नहीं पुछना इनू नहीं पुछना सहाबा खामोश हो गए जदो पुछन वाला जो आसमान ते बैठे क्यों जी नबी अली सलाम दिया ओ हफाजता मेरा अल्लाह करे किसे बंदे दी लोड़ ही नहीं नबी अली सलाम बड़ा परेशान करे खैर आका अली सलाम ने क्या ये ते है ही हराम दे ए आप दे प्यो दा नहीं ए हराम दे मक्के अंदर सारे तो मच गई भी ये ते है जेड़ा बोले तू राम दे हुण किसे बंदे ने पर राम दा आके ते इस तो वड के होगू गल हो सकदी और किसे दे मत्थे ते हराम दा नहीं लिखिया ओदियां हरकतां दातियां के हराम दे खैर मेरे नबी ने फरमाया ये है ही हराम दा ते तो परेशान ना होवो मालूम होंदा फ्रांसी भी हराम दे ने क्योंकि जिन्ना मेरे महबूब दी गुस्ताखी की थी और आकल सामने सारा नु दसिया भी ये हराम दा बड़ा परेशान इने तलवार खिंच ली ते जा मां दे सीने ते बैठा आंदा गल ता मां ते ही मुकनी है ना भी मैं हलाल दा के हराम दा आप दे प्यो दा के किसे होस दा खैर जाके मां दे सीने तलवार लेके चढ़ के बैठ आंदा या मैनू गल सच्ची सच्ची दस दे नहीं ते मार के तलवार तेरी धौण ला देंगा मुसलमाना दे पीर ने आखे तू हराम दा गल तेथे मुकनी हलाल दा के हराम दा मां दिए मैनू तलवार ना मारी गल सच्ची सच्ची दसां मैनू तलवार ना मारी मैं गल सच्ची दसांगी कह लगा फिर दस आग लगी तेरे प्यो दी जायदाद बड़ी सी बड़ा माल बड़ी जायदाद और तेरे बाप जो 18 साल औलाद ना पैदा हुई 18 साल और तेरा बाप काबल नहीं सी इस बात दे और फिर मैं मुंह काला कीता ओदे नौकर नाल तेरे बाप ने नौकर रखे सी और ओदे नाल मैं मुंह काला कीता ते ओदे विचो तू पैदा होया सी मालूम हुंदा जेड़ा मेरे नबी दी गुस्ताखी करे भला बच सकदे कदी बच नहीं सकदा एवें लोगां दे ख्याल ने फलाने गुस्ताखी कीती फलाने मुल्क वाले गुस्ताखी कीती और कोई गुस्ताखी करके बच नहीं सकदा और मदीने आओ मदीने दे अंदर एक ऐसा बेईमान
मेरे नबी ने इज्जत दे दी ते बादा नु इज्जत वारा नहीं खांदी। उहनां दी उकान थोड़ी होवे ते इज्जत बहुत ही मिल जाए, उहनां नु इज्जत दा हैज़ा हो जांदा है, उहनां नु वारा नहीं खांदी। आका इस्लाम ने ना इहनू कातबे वही रख लिया भी जेड़ी वही आया ना कुरान नाज़िल होवे ओह तू लिख लैणा है। इहने लिखणा शुरू कर दित्ता ते इत्थे किसे दा होवे नौकर ते मालक उहनू पूरा खाता ही उहदे हवाले कर देवे ओह समझदा पता नहीं मैं ही मालक बन गया। हुण नबी अली सलाम ने ते इज्जत दित्ती है बेउकाता औकात ही कोई नहीं और आका अली सलाम मैं तू कातबे वही है तू वही लिखनी करनी जी ठीक है। इहने लिखणा शुरू करता कुरान जिहड़ियां आयात नाज़िल होवन जिहड़ियां सूरतां नाज़िल होवन ਇਹ ਵਹੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨਿਓਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਮਾਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਕਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। फिर मेरा नबी ने बद्दुआ कर दिती मेरा नबी जरा किसी वास्ते बद्दुआ ना करे लेकिन मेरे नबी का इन्हें दिल दिखाया है कंगन पुरी जो दिलों ठंड पवे दिलों दुआव निकल दया ने जो दिल टुटन दिलों बदवां हाव निकल दया ने मेरे आका ने बदवा की आप फरमाते ने अल्लाह सुने ये मरे तो इनू जमीन भी कबूल ना करे ए मरे बेईमान ते कबर भी कबूल ना करे। आखिर मरना ते हर बंदे नहीं है ना कोई बंदा है जिहड़ा आखे भी मैं नहीं मरना। ए नबी पाक दी जिंदगी च मरिया इहनू मौत आई गुस्ताखे रसूल नू मौत आई और इहनू गुसल दे के कफन दे के ले जाके लादी लाह तों ते मिट्टी पाती उहने ते सुबह नू जाके कबर ते वेख्या ते इहदी लाश बाहर पई मिट्टी परे लाश बाहर ते उथे खड़ो के सारे पता क्या ने ए मुहम्मद दे बेलियां दा काम है आप दे बंदे रात कले सू पुट के बाहर छोटे हो सच्चा जो ना सो अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे दिन होर कबर डूंगी कटी कट के ना ते नु होर डूंगियां करके दफनाया उते स्लैपां पाईयां मिट्टी पाई दूसरे तो तीसरे दिन जाके वेख्या ते लाश फिर कबर विचों बाहर ही पई कहण लगे भी अज तो भी डूंगी करो उत्ते डांगा दे के बंदे बाह दियो जो अद्धी रातों रात ना पिछे जनाब कबर पुटन वाले बंदे आन ते डांगा मार मार के भजा दिया जे एदा मिट्टी पाई ढेरी बनाई वापस आ गए जेडे उत्ते पहरेदार बैठे सन ना वह आंदे ने असीं वेख्या कि मिट्टी आपे पिछाउण लग अद्धी रात तों बाद एदी कबर दी मिट्टी आपे परां होई एदी लाश बाहर आई और एदी लाश नू कावा कुत्तियां ने खादा पर जमीन ने कबूल नहीं कीता। आए गुस्ताखे रसूल दी लाश नू जमीन कबूल ना करे ए जमीन भी कहंदी है तू मेरे मुहम्मद दा गुस्ताख है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए वीरो कौन गुस्ताखी करके मेरे मुस्तफा दी कौन बच सकता है कोई ऐसा है। आओ मदीने दे अंदर ओ लम्मी दाढ़ी आला बेईमान जदों आका मदीने आए ना ते सारे मदीने नू चा चढ़िया सुभान अल्लाह सारे मदीने नू चा चढ़िया और मक्के आका मदीने आए ते मदीने वाले आंदे ने अज मदीने दी सर जमीन ते अल्लाह ने रहमत दी बारिश फरमा दिती है सुभान अल्लाह और सारा मदीना चावा अंदर और मक्के मदीने दियां निकियां निकियां अंसार दियां बचियां मेरे आका दा इस्तकबाल कर रही ने प्यार कर रही ने ते आंदियां की आंदियां ने असी कुड़ियां कामन सार दियां असी कुड़ियां कामन सार दियां जिंद जान नबी उतों वार दियां अज आया ए पीर हकानी नी माई आमना दा दिल जानी नी जबरील जिदा दरबानी नी असी गोलियां उस सरकार दियां असी कुड़ियां कामन सार दियां क्या शान है सला पहाड़ी दा
दार क्या शान ओदी असवारी दार सानू हुक्म है ताबेदारी दार बूंदा बरसियां बाग बहार दियां असी कुड़ियां कामल सार दियां जिंद जान नबी उतों वार दियां ए मदीने अंदर लम्मी दाड़ी आला मुनाफक बेईमान अब्दुल्ला बिन उबई मेरे महबूब ते आमन ते सड़दा फिरदा मरदा फिरदा चलदा फिरदा उत्थे खलोता ओ कित्थों आया इत्थे आन डेरे लाए सो असल हकीकत अज तक पता नहीं तुहानू पता लगा कि नहीं ओ मैं दस देना ए सड़दा क्यों सी मरदा क्यों सी गिले गीबतां क्यों करदा सी आका अली सलाम दे आमन तो कोई चंद दिन बाद एदे सिर दे उत्ते मदीने दी चुदराहट दा ताज रही जना सी एदे सिर ते इक बड़ी वड्डी पग रही जनी सी ओ पग ना रही जी लोगां दी तवज्जो मेरे महबूब वल हो गई ए उत्थे खलोवे गिला करे उत्थे खलोवे गीबतां कर ओ कित्थों आया ओ ते शाना तां रब ही देंदा है तू रो आपदे जन नाली नूं ते किसे कंध नाल लग के नसीबां दे सड़िया तैनूं इज्जत रब ना देवे ते कौन दे सकदा ए उत्थे खोवे किला करे उत्थे खोवे गीबतां करे ओ आ गया फलाए ते जदों आवे नबी मुनाफक दी यही निशानी है ना मुंह ते तरीफां दे तुल बन देंदा हजरत जी तुहाडे वर्गा ते वेख्या ही नहीं हाजी जनाब तुसीं ते माशाल्लाह सदके जाइए कुर्बान ते पता जा गया ना इहदे वर्गे कई रुले फिरदे ने हैं इहदे वर्गे कई रुले फिरदे ने खैर मुंह ते तरीफां ते कंडियों पिछे गिला गीबतां ए मुंह ते तुल बल्ले जी सदके कुर्बान जावां बड़ा जी मैं ते तुहाडे तो तुहाडे तो बगैर ते जी नहीं सकदा बल्कि हदीस पाक अंदर लिखे है आका जदों जुमा पढ़ांदे ना ए मिंबर दी बाई फड़ लैंदा ते बाई फड़ के रोंदा कदी नबी पाक दे पैर घुटदा ते पता क्या दा आंदा सोणिया तुहाडे मेरे नाल वध के तुहाडे नाल किसे नूं प्यार नहीं देखी बड़ा प्यार है बड़ी ते बाहर जाके औथे बाजारों बाहर जाके पता क्या है कुरान ने पर्दे फास कीते ने यकूलूना ला इरजाना इलल मदीना ते ला युखरिजना ल आज मिन हल अदल वलिल्लाहिल इज्जत वाले रसूल ही वलिल मोमिनीना वलाकिनल मुनाफिकीना ला यालमू बाहर जाके लोगों माजल्ला नबी आप भी जलील इंदे साथी भी जलील ने बाहर जाके गालियां बकदा बाहर जाके बकवास करदा बल्कि आका अली सलाम एक दिन गधे ते बैठे ते सहाबी ने लगाम फड़ी अगों ते मदीने दे बाजार चो लई जाए ते इह पता क्या परा लै जा खोता इहदे कोल बो आवण डई परा लै जा इहदे च ते सहाबी पता क्या आंदा ओ पागला ओ जालमा तेरे दिमाग चो बो आन डई जिन्ना सवारियां ते नबी सवार हो जान उथों बोवां कदों आंदियां ने जिन्ना सवारियां ते नबी सवार होनो ते सवारियां भी किस्मतां वालियां ने सुभान अल्लाह और एडा बेईमान उत्तों होर विच्चों होर फिर मरिया ते मरन तो पहले आपदे पुत्र नूं बुला के आंदा पुत्रा अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला पुत्र मैं मरन लगा ते आपदे नबी नूं जाके कह दी मेरा जनाजा ही पढ़ा छड़ कह दी मेरा जनाजा ही पढ़ा छड़े ते पुत्र नूं प्यो दी सारियां हरकतां दा पता सी वी इह की करदा ते किहड़ा हथियार जिहड़ा ने नबी दे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कीता पुत्र आंदा आपां मैं कह ते देंगा पर कोई ऐसी गल हैगी जिहड़ी तू नबी दे खिलाफ ना बकी होवे कोई ऐसा हथियार तीर जिहड़ा तू नबी दे खिलाफ इस्तेमाल ना कीता होए ते मैं केड़े मुंह ना जाके नबी पाक नूं कहांगा मेरे अब्बे दा जनाजा ही पढ़ा दे ते पता जे की आंदा जालम नूं इह भी पता सी पता जांदा की आंदा पुत्रा इह गल सुन लै तेरे प्यो नालों वड्डा पापी कोई नहीं ते तेरे नबी नालों वड्डा रहीम ते करीम ही कोई नहीं जे मेरे नालों वड्डा पापी ते जालम कोई नहीं तेरे नबी नालों वड्डा रहीम ते करीम भी कोई नहीं तू जाके कवी ते सही ना रात मर गया सुबह होई अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला आ गए आके आंदे ने सोने आ राती मेरा बाबा मर गया मौत आ गई है फौत हो गया है आओ ना जनाजा पढ़ा देवो मेरे आका फरमांदे ने अब्दुल्ला जे मेरे जनाजा पढ़ावण नाल अल्लाह तेरे बाबे नूं माफ करे ते मैं पढ़ा देना ए नहीं आख्या और हसीए दे जनाजे नाल नहीं जाना
ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਐਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਤੇ ਤੋਮਤ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ और एक कंबल गुम हो गया कंबल वावा सोना सी माले गनीमत आया जंग दे मौके दे ना माले गनीमत कट्ठा होया माल ते ओ कंबल लब्बे ना गुम हो गया ते लोगां नूं मदीने बाहर जाके बह गया ओ कंबल सोना सी मुहम्मद ने आप ही अगे पिछे कर लिया एहो जिया जालम शरारतां करे और नबी पाक नूं तंग करे तू ना एडियां दावतां रख्या कर असीं इहदे जनाजे नाल नहीं जाणा तेरे नबी नूं इन्ना परेशान करन वाला मुनाफकां दा प्यो रईसुल मुनाफिकीन मरिया आकल सलाम लेना क्या चलो भी सफा सिद्धियां कर लिया सफा बन गई मेरे नबी फरमा दे अल्लाहु अकबर एक रवायत अंदर लिखे अजे हाथी तां कीते एक रवायत अंदर लिखा जनाजा पढ़ा दिता एक रवायत अंदर लिखा आका अजे जनाजा पढ़ाण लगे सन बहरहाल जदों तैयारी कर ली समझ लो पढ़ा दिता मेरे नबी फरमांदे ने अब्दुल्ला जे मेरे जनाजा पढ़ाण नाल अल्लाह तेरे बाबे नू माफ करे मैं पढ़ा दिन आकर सन जनाजा पढ़ाया अब्दुल्ला कहन लगे सोने एक गल करनी आप फरमांदे ने भावें अज दस गल्लां कर लै किनिया करनिया चाहे अब्दुल्ला हौले जे कान च कहन लगे मैं तुहानू आखना चाहना कुर्ता बड़ा कीमती है कफन दे विच इहदा कफन परा करके कुर्ता ना पा दईए आपने कमीज ला दिता आपका कुर्ता इहदे गल विच पा दिता अब्दुल्ला कहन लगे एक होर भी गल मनो आप फरमांदे ने अब्दुल्ला अज मनवा लै जिन्नियां मनवाउणी अज मनवा लै अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला कहन लगे तुहाडा लाभ बड़ी बरकत आला है कौड़े खूह च पै जाए अल्लाह कौड़ा खूह मिठा फरमा दे ते जरा थोड़ा जिहा लाभ कढो आका फरमान की करिए आदा लाभ काट के दे इहदे मुंह च पा मेरे प्यो दे मुंह च लाभ पा दिओ अपना ए लाभ एडा कीमती है टुटियां लत्तां ते लग जाए ते टुटियां लत्तां जोड़ जाए अली दियां अखां ते दर्द होवे ते मेरे नबी लाभ ला दें ते दर्द खत्म हो जाए अबू बकर दी अड्डी ते सांप लड़ जाए आका लाभ ला दें ते जहर खत्म हो जाए अल्लाह नबी पाक ने ना इहदे लाभ कढ़िया इहदे मुंह च पा दिता मेरे अल्लाह करीम ने आसमान तो जबरील नू आर्डर फरमा दिता और जबरीला दौड़ ला अल्लाह की करा अल्लाह फरमांदे ने ए जालमे इन्ने गुस्ताखियां कीतियां मेरे मुस्तफा दियां ए मरिया बेईमान गुस्ताख मेरे नबी दा मेरे नबीले दा जनाजा भी पढ़ा दिता है अपना लाभे दान भी मुँह च पा दिता है अपना कुर्ता भी ला के पा दिता है अल्लाह मैं की करा अल्लाह दे ने जबरीला दौड़ ला दे नस इहदे मुँह विचों मेरे नबी नबी दा लाभे दान भी खिंच लै इहदे गल विचों मेरे मुहम्मद दा कुर्ता भी खिंच लै ते नाल आसमान तो आवाज आ गई अल्लाह दे सोने आ महबूबा इहदा तुसीं एक जनाजा पढ़ाया है इहदे किते 70 वी जनाजे पढ़ा देवो ते मैं इहनूं माफ कोई नहीं जे करन है कोई गुस्ताखी करके मेरे मुस्तफा दी बज है मैनू वक्त इजाजत नहीं दे रहा मैं बड़िया गल्लां तुहानूं सुनावां बहरहाल मैं अपनी बात मुकम्मल करा ए नजाशी बादशाह आंदा है और जेड़ा नबी पैदा होया है ओहदे ते कोई किताब भी नाज़िल होई है कि नहीं ते हज़रत जाफर तैयार कहंदे ने हाँ हाँ नजाशी उस नबी ते किताब नाज़िल होई है कुरान सुभान वो ते कुरान नाज़िल है ते नजाशी कह लगा कोई याद भी है ही कोई कुरान याद दे ते हज़रत जाफर तैयार कहन लगे हाँ मैनू ज़बानी याद है ते कहन लगा सुना फिर ओ कुरान जे तैनू याद है ते सुना फिर ते हज़रत जाफर ओ सारी रियाया वेखे साडा बादशाह क्यों रोन डिया हुणे दबके मारन डिया सी ओ मेरी इजाजत तो बगैर क्यों आए दे मेरे मुल्क च की दी इजाजत ते हुण रोंदा पिया उथे बैठा पता नहीं क्या है जे वाल हिकमा वायु जकी हिम वाल हिकमा अल्लाह ओ पाक करे ते हिकमत नाल कुरान सिखावे ऐ कुरान दा इनकलाब आन लगा और आमना दे लाल दी बात दा इनकलाब आन लगा नजाशी बादशाह बैठा रियाया सारी बैठी है ते सारयां दे सामने पढ़दा है अशहादु अल्लाह इलाहा
इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ते आपदी जबान ना पता क्या है, सारी रियाया भी मुसलमान हो गई, नजाशी बादशाह भी मुसलमान हो गया। आपदी जबान हाल नाल बोल के आंदा है ओ नबी भी सच्चा है, जेड़ा ओदे उते कुरान नाजिल होया ओ कुरान भी सच्चा है। अल्लाह के दुआ करो अल्लाह महबूब नाल सच्चा पक्का प्यार नसीब फरमाए, सच्ची पक्की मुहब्बत नसीब फरमाए। और जिन्हों नबी दे प्यार ही नहीं ओदे नाल वड्डा बेईमान कौन बंदा हो सकता है, लेकिन जिदे दिल विच नबी दा प्यार है इत्थे भी कामयाब है, अगले जहान भी कामयाब है। और अल्लाह दे फजलो करम दे नाल दिन रात ओदा कामयाब।